Good evening, everyone. Good afternoon, actually. Happy Ahoy Ashtami to all of you. आज है होई अष्टमी और मैं रेडी हो चुकी हूँ ये वाला साड़ी. मैं ना दूर से दिखाऊँ आप लोगों को. अभी मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और टाइमिंग होता है ना, एक टाइमिंग में पूजा करना अच्छा होता है. और मैं अपना ज्वेलरी दिखा दूँ, ये पीसेस है और कान का भी सेम है मेरा. और बस मैंने बिंदी लगा ली. आज मैंने चश्मा नहीं पहना क्योंकि इतना सुंदर सजरे के बाद में चश्मा पहनने में गाइस एकदम अच्छा नहीं लगता है. फिलहाल मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने. और बहुत सारे सब्सक्राइबर, पिछले साल जो लोग मेरे वीडियो देखे हैं वो लोग बोले हैं कि दी आप पूजा विधि शेयर करिए, तो मैं आज थोड़ा बहुत पूजा विधि शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. फिलहाल तो चलिए, जो लोग होई अष्टमी करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत दिल से मुबारक हो और होई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को. और जिनके लिए मैं होई अष्टमी कर रही हूँ वो चले गए, वो है यहाँ. ये देखिए, ये अभी रेडी नहीं है, अभी इनको भी रेडी करना है. फिलहाल मैं पूजा का तैयारी कर लूँ, फिर मैं इनको रेडी करूँगी. तो चलिए पूजा का तैयारी करते हैं. तो गाइस, यहाँ पे मैं पूजा का तैयारी करने लगी हूँ. एक चौकी लगा लिया है और करवा चौथ में यही चौकी में मैंने पूजा की थी और उसमें लगा रही हूँ एक लाल कपड़ा. एक्चुअली मैं मेरे घर में जिस तरह से मेरे ससुराल में पूजा होते हैं मैं उसी हिसाब से पूजा कर रही हूँ. और सबके घरों में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मेरे घर में जो नियम है मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. और यहाँ पर मैं सबसे पहले चावल से स्वास्तिक बनाऊंगी, ये बहुत ज़रूरी होता है. श्री अहोई अष्टमी पूजा जब आप स्टार्ट करें, अहोई माता का जो भी कैलेंडर वगैरह आप लगाएं, उसके पहले चौकी में ज़रूर से चावल का एक स्वास्तिक बना ले. ये अगेन मैं बोल रही हूँ, मेरा घर का नियम है, मैं उस हिसाब से करती हूँ. और आप अपने घर का नियम जो होता है वही नियम हिसाब से आप करिए. लेकिन आप लोग बोले थे ना कि दी आप शेयर कीजिए कैसे आप पूजा करते हैं, तो वही विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिलहाल. तो ये देखिए, मैंने स्वास्तिक बना लिया है चावल से. अब मैं होई माता की जो मेरे पास ऐसे कैलेंडर से ना, मैंने ऐसे तस्वीर बना लिया उसको फ्रेम करके, तो क्योंकि मैं हर साल करने वाली हूँ तो इसलिए पिछले साल ही मैंने कर लिया था, मतलब ऑर्डर कर दी थी तो आया नहीं था, तो इसलिए कैलेंडर में पूजा की थी. तो इस साल तो देखिए इस तरह से मैं स्थापना कर चुकी हूँ, माँ को चूर्णी चढ़ा चुकी हूँ. अब मैं यहाँ पे चावल रख के दो घर बैठाने वाली हूँ. एक्चुअली दो करवे होते हैं, इसको दो घर बोला जाता है. और इसके अंदर मैं पानी भर के पूजा करती हूँ. दो दो करवे में ही मैं पानी भर के पूजा करती हूँ. आप लोग चाहे तो इसमें अनाज भी भर सकते हैं. बहुत जन होता है, बहुत सारे घरों में होता है जो लोग अनाज भर के पूजा करते हैं, लेकिन मेरे घर में अगेन जो नियम है मैं उसी हिसाब से फॉलो करती हूँ. तो बस पहला साल मैं ऐसे ही की थी, तो दूसरा साल भी वही पूजा विधि मैं फॉलो कर रही हूँ. मैंने स्वास्तिक बना लिया और टीका कर दिया, 7 टीके करने चाहिए वो कर दिया. चावल रखे ढक्कन के ऊपर में और एक रक्षा धागा, ये जो करवे होते हैं ना उसमें बांध दीजिए. ये एक मतलब नियम होता है, हमेशा रक्षा धागा बांधना चाहिए, जो कलावा बोला जाता है जिनको. बस उसके ऊपर एक और कलश में रख दूंगी करवे, इसको बोला जाता है दोगर. दोगर आप कोई कोई 4 करवे से भी पूजा करते हैं, कोई 2 करवे से भी पूजा करते हैं. मैं 2 करवे से ही पूजा करती हूँ. तो हर करवे में स्वास्तिक अवश्य से बनाए, रोली से बनाए. और उसके ऊपर देखिए मैं टीका कर रही हूँ, पूरा टीका कर दीजिए, 7 या 14 टीका कीजिए. तो बस उसके ऊपर चावल रखिए और उसके ऊपर कोई भी एक फल आप रख सकते हैं. मैं एप्पल रख रही हूँ इसके ऊपर.
और होई अष्टमी के दिन आप व्रत करिए, कुछ खाइए नहीं, फल वगैरह भी मत खाइए अगर आप इस तरह से व्रत उठा रहे तो। और आप अवश्य से उस दिन आप चाय पी सकते हैं, बस वो आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे मैं करवे जो लोटे होते हैं ना, जो अर्घ देने पड़ते हैं, मैं तारों को अर्घ दे के यहाँ पे खोला जाता है व्रत, तो बस वही मैं उसको वहाँ पे भी स्वास्तिक बना रही हूँ, मतलब लोटे पे, तो इसमें मैं अर्घ देने वाली हूँ। चंद्रमा को भी अर्घ दिया था इसी में, यही लोटे में, बस यही लोटे में मैं तारों को भी अर्घ दे दूँगी, क्योंकि व्रत खोलने के बाद खोलना पड़ता है ना तारों को अर्घ दे के। बहुत जगह होता है दिन छुपने के साथ ही अर्घ दे के आप खोल सकते हो व्रत, लेकिन हमारे यहाँ भी वही होता है, दिन छुपने के साथ तारे दिख जाते हैं, तो बस आप तारों को देख के अर्घ दे दिया करो। और फिर यहाँ पे मैं कलावा बांध दूँगी, बस मेरा हो गया। और हाँ, दोघर जब स्थापना करें या घट स्थापना करें, अवश्य से नीचे चावल ज़रूर से रखें, तो बस। और ये है अहोई माता की, बहुत जन होता है शिव माता की लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चांद लिया जाता है। ये देखिए, चांद तारे जो होते हैं वो लिया जाता है, वैसे चांदी का बनाया हुआ है, उसमें दो दो करके मनका मैं डाली हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अनाज, ये देखिए, ये धनिया के बीच है, ये अवश्य से डालना चाहिए, तो वही अनाज थोड़ा सा मैं डाली हूँ यहाँ पे। और इसमें चावल डाली हूँ, कोई कोई घरों में चीनी भी डालते हैं, हम लोग तुलसी पत्ता डालते हैं, और तुलसा जी का पत्ता डालने के बाद थोड़ा फूल डाल देते हैं। तो बस ये हो गया मेरा लोटा तैयार, और करवे माँ को कलावा अर्पित कर देते हैं, सॉरी करवे माँ को नहीं, अहोई माता को यहाँ पे कलावा अर्पित कर देते हैं, और बस फूल माला से इसको सजाएंगे। और हाँ, मैं जो बोल रही थी, हाँ, ये जो चांद तारे वाला जो चांद बनाया हुआ है ना, ये अवश्य से पूजा में रखे और कुछ देर के लिए अपने गला में डाल ले। हम लोग के यहाँ पे रूल्स होता है कि धनतेरस का दिन तक गला में माँ डाल के रहती है, पूजा होने के बाद दिन से। और यहाँ पे घी का दीपक ज़रूर जलाए, मैं घी का दीपक जला रही हूँ। और जो थाल में ली हूँ, इसमें जो भोग प्रसाद चढ़ेगा, फल चढ़ाया जाता है, पांच रकम का ही फल चढ़ाया जाता है, अब आपका मर्जी कितना फल चढ़ाइएगा, तो फल जिसमें चढ़ाए आप उसमें ज़रूर से, वो थाल में ज़रूर से स्वास्तिक बना ले, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे, स्वास्तिक बना रही हूँ। और टीका बीच में चावल ज़रूर रख दे स्वास्तिक का बीच में, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और उसके साथ टीका ज़रूर कर दे, और टीका करना बहुत ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे भी मैं प्रसाद चढ़ाने वाली हूँ, और बताशे का भोग ज़रूर लगता है। और आप किसी किसी का घर में होता है ना पूड़े पूड़ी, और उसके साथ गुलगुले, आटे के गुलगुले, ये सब बनता है जो सास को दिया जाता है, तो मेरे घर में बड़े तो ऐसे कोई है नहीं, मतलब सास तो है नहीं, इसलिए मैं हमेशा बताशे का ही भोग चढ़ाती हूँ। बताशे का भोग भी आप चढ़ा सकते हो, वो भी बहुत शुभ होता है, मिठाई और बताशे का भोग चढ़ाती हूँ, और बच्चे के लिए बायना निकालती हूँ, तो बस बताशे का भोग मेन होता है, वो मैं चढ़ा दिया, उसके साथ सफ़ेद रंग की मिठाई मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब सफ़ेद होना चाहिए मिठाई के ऊपर, तो बस वो है चॉकलेट मिठाई, लेकिन सफ़ेद रंग का ही है। बस सब में टीका मैंने कर दिया है, और हर जगह में फूल और तुलसा जी का पत्ता ज़रूर से यूज़ करें, मतलब दीजिए। तो मैं अपना घर का रूल्स आपको दिखा रही हूँ, आप लोग अपना घर के रूल्स हिसाब से करिए, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सब्सक्राइबर हैं, मुझे पूछते रहते हैं कि दी आप किस हिसाब से, किस नियम से पूजा करते हैं, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं अर्घ देने वाली जो होती है ना थाली, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और बाय द वे, बहुत जन मुझसे पूछ रहे थे दी स्वास्थ्य का बीच में क्यों खाली रहना चाहिए, ये शायद ब्रह्म स्थल ऐसा कुछ कहा जाता है बोल के, हमेशा स्वास्तिक प्लस साइन देख के बीच से कट करके नहीं बनाया जाता है, उसको शुभ नहीं माना जाता है, तो बस मैंने उसी तरह से किया। और बस घी का दीपक लगा लूँगी यहाँ पे, और मयंक भी मेरे साथ आ गया, क्योंकि अकेले
आपको कहानी कथा नहीं सुननी चाहिए बोलते हैं, तो ये लीजिए अरक का थाली तैयार हो गया है मेरा, दक्षिणा भी मैंने रख दिया है और माँ की खिताब भी मैंने रख दिया है, और ये है बायना। अब मैं निकाल रही हूँ, मयंक एक एक करके लाके दे रहा है, तो ये टोटल कंप्लीट हो गया। ये मयंक का पसंदीदा हर चीज़ रखा गया है यहाँ पे, ये उसका खाने पीने का चीज़। मैं सूखा ही निकालती हूँ बायना, तो बस उसके लिए एक कुर्ता लिया मैंने, और जो उस दिन ढूंढ रहे थे ना हम लोग, तो वही कुर्ता लिए। और बस ये देखिए मेरा तैयारी हो गई है पूजा की, अब पूजा स्टार्ट करेंगे और बस माँ का आशीर्वाद से सब अच्छा अच्छा हो। और यहाँ पे सबसे पहले हम टीका कर लेंगे, सारे भगवान जी का टीका कर लेंगे, गणेश जी को दुर्बा अर्पित कर देंगे। गणेश जी का पूजा अवश्य से करें और गणेश जी का आरती जरूर से करें। बस यहाँ पे हाँ, गणेश जी को सारे भगवान जी को पानी का छींटा देंगे, देके आह्वान करेंगे कि मतलब आइए पूजा में सम्मिलित होइए और पूजा सफल कीजिए, और सबको फूल अर्पित कर देंगे। अहोई माता को भी फूल अर्पित करेंगे। अब यहाँ पे सबको टीका करेंगे, बच्चों के लिए पूजा है तो बच्चे को ज़रूर से सबसे पहले टीका करें और उसके बाद सबको टीका करें। और बस यहाँ पे पहले जो अगरबत्ती होती है ना उससे पूजा करेंगे। और मयंक अपना बदमाशी में लगा हुआ है, देखिए एक आज तो डांट भी नहीं खा सकता है। मैं प्यार से बोल रही हूँ, बच्चा मत करिए। तो चलिए दीपक जला दिए, धूप लगा दिए, यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए मैं धूप लगा दिया, अब अगरबत्ती से भगवान का आरती स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगरबत्ती से आरती करेंगे और उसके बाद कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे। यही बहुत जगह में अगरबत्ती से पहले नहीं करते, पहले कथा सुन लेते हैं और शाम को पूजा करते हैं। तो मैं सबसे पहले अगरबत्ती से आरती कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद किताब को भी पूजा करती हूँ, और उसके बाद शेखर जी से कहानी सुनती हूँ। मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ, शेखर जी से ही सुनती हूँ। और मयंक यहाँ पर टीका उसका खराब हो गया था तो बोले मम्मी फिर लगा दो, तो वह तेरी कोख खिलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर खुद तक सुलही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुलही गाय ने सोचा रोज बस कथा सुनने के बाद मैं यहाँ पे गणेश जी का आरती कर रही हूँ, एक बार पूजा ख़त्म कर लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है, अभी जाना है ऊपर जल चढ़ाने मतलब अर्घ देने, तो बस वही बाकी है। और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, और आप लोगों को विधि कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था पिछले साल कि दी आप पूजा कैसे करती हो, विधि क्या है आप दिखाइए, तो वही मैंने शेयर किया, पूरी तरह से शेयर किया। ब्लॉग बड़ा लंबा होने वाला है। फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, और मयंक भी रेडी है, देखिए कैसा लग रहा है इसको देखने में, अच्छा लग रहा है। ऊपर चलती हूँ और पूजा स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ छत पे आ गए हम लोग, तारे बहुत अच्छे से दिख गए थे, लेकिन मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी आज, क्योंकि ब्लॉग बड़ा लंबा हो जा रहा है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब कल की ब्लॉग में बाकी पूजा में शेयर करूँगी, जो डिनर बनाई थी वो भी शेयर करूँगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, विच इज टिप्स ऑन यू इंडियन मॉम विद परमा, तब तक के लिए बाय बाय।